इसमें हमारे पास ऑर्बिट व्हेन एफ इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर की कंडीशन करी थी प्रीवियस क्लास में जिसके अकॉर्डिंग हमने जब इसको सॉल्व किया था एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू टू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी के अकॉर्डिंग सिंपलीफाई किया था तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू म्यू अपॉन आर इन प्लस के बना था इसी में हमने एक इक्वेशन बनाई थी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू म्यू अपॉन सी प्लस के के इक्वल और पैराबोला की इक्वेशन बनाई थी पी स्केयर इक्वल्स टू ए आर एलिप्स की बी स्केर अपऑन पी स्केयर इक्वल्स टू टू ए आर माइनस वन एंड आइप्रोबोला की ये इक्वेशन थी इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम पीरियड कितना आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे जो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सबसे पहले एलिप्स को लेके चलते हैं एलिप्स का मतलब एक इक्वेशन तो ये है जो हमने बनाई है एच स्केर अपऑन पी स्केयर इज इक्वल्स टू टू म्यू अपॉन आर प्लस के और एक इक्वेशन जो एलिप्स की हमें दी हुई है बी स्क्यर अपॉन पी स्क्यूर इज इक्वल्स टू टू ए अपॉन आर माइनस वन दोनों को कंपेरिजन करते हैं सबसे पहले तुलना करेंगे दोनों की दोनों की तुलना करेंगे तो पी स्केयर वन अपॉन पी स्केयर और वन अपॉन पी स्केयर का कॉफिशियंट यानी एच स्केयर अपऑन बी स्केयर फिर इक्वल होगा इसमें म्यू के कॉफिशियंट्स यानी वन अपॉन आर के कॉफिशियंट यानी म्यू अपॉन ए इक्वल होगा के अपॉन माइनस वन की इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले यहां से एच की वैल्यू निकालेंगे ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू बी स्केयर अपॉन ए के इक्वल बी स्केयर अपॉन ए जो नाभिलंब होता है हमारे पास और के की वैल्यू जो बनेगी वो माइनस म्यू अपॉन ए के इक्वल आएगी ये वैल्यू अगर जो हमारी इक्वेशन थी वी स्केयर इज इक्वल्स टू टू म्यू अपॉन आर प्लस के से रिप्रेजेंट किया था हमने आर की जगह सी लेते हुए फिर हमने वो वैल्यू कैलकुलेट की थी लेकिन इनिशियली इट वाज आर ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो आर के इक्वल हम uh, लेके चलते हैं तब इसमें सॉल्यूशन आता है आर के इक्वल आया कैसे हमने एक टॉपिक किया था जो ये था वीस केयर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर यहां एफ की वैल्यू म्यू अपॉन आर स्केयर है अगर म्यू अपॉन आर स्केयर पुट करते हुए इंटीग्रेट करें तो जो वी स्केयर की वैल्यू आती है वो टू म्यू अपॉन आर माइनस का था इसके साथ साइन माइनस का टू म्यू अपॉन आर प्लस के बनती है इसी वैल्यू से हमने इसको डिफाइन किया टू म्यू अपॉन आर प्लस के के इक्वल यहां से के की वैल्यू अगर पुट कर दें वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टू म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन ए जिससे इज़ इक्वल्स टू म्यू कॉमन लेने के बाद टू अपॉन आर माइनस वन अपॉन ए इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एलिप्स के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं आर दूरी होगी किससे दूरी है ध्रुव से ध्रुव कहां पे है इस स्थिति में नाभि पर अगर नाभ्य दूरी जो है नाभि से उस कण की जो दूरी है उस दूरी और ए ए क्या था दीर्घक्ष दो ए जो होती है वो दीर्घक्ष की यानी जो मेजर एक्सेज होती है उसकी लेंथ होती है ए जो है वो सेमी मेजर एक्सेज की लेंथ होगी अगर ये हमें कैल पता हो तो वी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी कितनी होगी इसी में हम टाइम पीरियड भी निकाला था हमने अगर आप लोगों को याद हो तो टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला था टी इज इक्वल्स टू टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू लेके चलते थे अब म्यू की जगह पर हमारे पास जब वैल्यू थी वो सॉल्व की थी हमने ए पावर थ्री बाई टू बना था टाइम पीरियड एरिया ऑफ एलिप्स अपॉन वो फॉर्मूला लिखा था हमने टाइम इज इक्वल्स टू त्रि का जो सूत्र बताया था एक अब भी रिसेंटली किया हमने इसको सॉल्व किया था हमने टी इक्वल्स टू टू पाई अपोन अंडर पावर थ्री बाई टू सोल्व किया था हमने पाई ए बी लेते हुए एरिया इज इक्वल्स टू पाई ए बी अपोन में जो ट्रम थी यही पार्ट हमने किया था टाइम पीरियड के लिए और वो निकाला कैसे था अगर याद हो तो एरिया ऑफ दीर्घवर्त का क्षेत्रफल एच अपॉन टू इंटू टी तो यहां यहाँ पे हमारे पास टी निकालने के लिए एच अपॉन दीर्घ का क्षेत्रफल था जो पाई ए बी अपॉन एच था और उसको सॉल्व करके टू पाई टू पाई ए बी अपॉन एच बना था एच की वैल्यू बुट की थी तब ये सॉल्यूशन आया था इसमें अगर ए की वैल्यू बुट कर दें यहां से इस इक्वेशन से अगर इस इक्वेशन से ए की वैल्यू पुट करेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास वीर अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू टू अपॉन आर माइनस वन अपॉन ए वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू टू अपॉन आर माइनस वी के अपॉन म्यू यह वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो टी की वैल्यू आ जाएगी टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इन टू टू अपॉन आर माइनस बीस के अपॉन यू की पावर माइनस थ्री बाई टू ये हमारे पास इसमें टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला रहेगा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम टाइम पीरियड किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंचने का जो टाइमिंग होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं सेम पार्ट हमारे पास हाइप्रोबोला एंड पैराबोला के लिए कंडीशंस रहेंगी हाइप्रोबोला और पैराबोला के अंदर जैसे इक्वेशंस थी हमारे पास एच स्केयर अपॉन पी स्केयर इज इक्वल्स टू टू म्यू अपॉन आर प्लस के जबकि हाइप्रोबोला की इक्वेशन होती है एच स्केयर अपॉन पी बी स्केयर अपॉन पी स्केयर इज इक्वल्स टू टू म्यू अपॉन आर टू ए अपॉन आर माइनस प्लस वन अगर कंपेयर करें इसमें तुलना करें इन दोनों की अब तो एच स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू के अपॉन वन आएगी इससे के की वैल्यू म्यू अपॉन ए आ जाएगी वेलोसिटी निकालेंगे तो वी स्केयर इज इक्वल्स टू जो हमारी कंडीशन थी टू पाई टू म्यू अपॉन आर प्लस के था तो टू म्यू अपॉन आर प्लस म्यू अपॉन ए बन जाएगा यानी वेलोसिटी एट हाइप्रोबोला हमारे पास आ जाएगा टू अपॉन आर प्लस वन अपॉन ए टाइम पीरियड निकालना है फॉर्मूला वही रहेगा सिर्फ एक ही जगह यहां से वैल्यू निकाल के हमें सब्सटीट्यूट करनी है कुछ इसी फॉर्म में <coughs> इतना ही डिफरेंस आ रहा है वन अपॉन ए पॉजिटिव आ रहा है उसमें नेगेटिव था तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा ये वैल्यू नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगी और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगी ये हाइप्रोबोला के लिए हमारे पास कंडीशन टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा फिर आता है हमारे पास थर्ड पार्ट पैराबोला पैराबोला के अंदर पी स्केयर इज इक्वल्स टू ए आर इक्वेशन है अगर पी स्केयर इक्वल्स टू ए आर है कंपेयर करें तो यहां पी स्केयर का कोफिशियंट वन अपन पी स्केयर का है इसको वन अपॉन पी स्केयर में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर वन अपॉन पी स्केयर में कन्वर्ट करेंगे तो वन अपॉन पी स्केयर इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए आर आएगा तुलना करें तो एच स्केर इज इक्वल्स अपॉन वन इज इक्वल्स टू इस इक्वेशन से कंपेरिजन कर रहे हैं हम टू म्यू अपॉन ए यानि यहां आ जाएगा टू म्यू अपॉन वन अपॉन ए इक्वल्स टू के अपॉन जीरो क्योंकि कांस्टेंट पार्ट उसमें है ही नहीं हमारे पास इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो एक तो एच की वैल्यू आ रही है एच स्क्र इज इक्वल टू टू म्यू ए यदि तेरा बोला है तो एच स्क्र जो है वो टू म्यू इन टू ए के इक्वल होगा दूसरी कंडीशन के की वैल्यू भी हमारे पास इसमें टू म्यू इन टू ए के इक्वल आ जाएगी वेलोसिटी जो बनेगी वो वेलोसिटी आ जाएगी टू म्यू अपॉन आर प्लस टू म्यू ए वेलोसिटी के लिए फार्मूला आ जाएगा टू म्यू इन टू वन अपॉन आर प्लस ए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वेलोसिटी एट पैराबोला को कैलकुलेट कर सकते हैं अब वेलोसिटी एट पैराबोला जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी उसको हम सॉल्व करते हुए टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं वो टाइम पीरियड का निकाल कर टी की पावर इसमें ए की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हुए इसमें पुट कर देना टाइम पीरियड आ जाएगा टाइम पीरियड एट भी क्योंकि के अपॉन जीरो है के अपॉन जीरो को अगर सिंप्लीफाई करते हैं पेराबोला के लिए तो जीरो इसके मल्टीप्लाई में आएगा जिसके कारण के की वैल्यू जीरो बनेगी के की वैल्यू जीरो आने पर ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास टू मू अपॉन आर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला रहेगा टाइम पीरियड निकालने के लिए इसमें ए है ही नहीं हमारे पास ए नहीं है तो ए की वैल्यू इस इस फॉर्मूले से हम टाइम पीरियड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें अदर मेथड यूज करना पड़ेगा प्रबल्य के बारे में हम बात करेंगे अति प्रबल्य वही है आतिहाती बर में इतना ही डिफरेंस आता है कि हमारे पास ए एंड बी इक्वल हो जाते हैं अगर ए और बी इक्वल हो तो वेलोसिटी का तो फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने पहले किया था यानी टू पाई वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अभी अभी किया है हमने वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू म्यू इन टू टू अपॉन आर प्लस वन अपॉन ए तो, वे, तो उसी मेथड से कैलकुलेट की जाएगी अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो म्यू अपॉन ए की वैल्यू निकाली जा सकती है जो हमारे पास आ जाएगी वी स्क्र माइनस टू म्यू अपॉन आर के इक्वल हमने पीछे एक फॉर्मूला किया था एक तो हमने ये किया था कि एच जो होता है वो पी इन टू वी के इक्वल होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी एच इज इक्वल टू पी इन टू वी था और एक हमने ये कंडीशन की थी कि एच जो होता है वो अंडर उड ऑफ म्यू इन टू एल के इक्वल होता है एल जहाँ अर्धनाबिलम को यानी सेमी लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है अगर सेमी लेटस रेक्टम हमें गिवन हो तो इनिशियली हम लेट करके चलते हैं कि प्रारंभ में इनिशियली P इज इक्वल्स टू पी जीरो से अल्फा कोण पर कण को प्रक्षेपित किया जाता है एट p इज इक्वल टू पी जीरो एंड एंगल एल्फा इनिशियल एंगल एल्फा पर किसी भी पार्टिकल को f इज इक्वल टू न्यू ओपोन आर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग प्रक्षेपित किया जाता है इसका मतलब उसको फेंका जाता है अब और उसके अकॉर्डिंग फेंका जाता है थ्रो किया जाता है तो जो p के लिए इक्वेशन रहती है वो होती है p इज इक्वल्स टू आर साइन एल्फा पी जो होता है वो हमेशा अल्फा को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब एच जो होगा वो अंडर इक्वल होगा और ये पी जीरो वी के आएगा। एल अर्धन बीस के रॉन ए होता है और पी जीरो आर साइन अल्फा इन वी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा इसमें अगर हम वैल्यू निकालें प्रबल्य आई टी प्रबल्य का मतलब बी इज इक्वल्स टू क्या कंडीशन थी रेक्टेंगुलर हाइप्रो की ए इज इक्वल्स टू अगर ए इक्वल्स टू बी पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ म्यू ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा आर वी साइन अल्फा इससे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं आर स्क्र वी स्केयर साइन स्केर अल्फा अपॉन में म्यू ये ए की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है उसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी म्यू अपॉन या फिर यहां से ए की वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें पुट कर दीजिए बात एक ही है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू स्केयर अपॉन क्योंकि ये अपॉन में आएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा आर स्केयर वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल्स टू वी स्केयर माइनस टू म्यू अपॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको इधर ले जाए तो म्यू स्केयर अपॉन वी स्केयर माइनस टू म्यू अपॉन आर इज इक्वल्स टू आर स्केयर वी स्केयर साइंस स्केर एल्फा साइंस स्केयर एल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे जो म्यू स्केर अपॉन आर स्केर वी स्केयर इन टू वी स्केयर माइनस टू म्यू अपॉन आर के इक्वल आएगी इस साइन स्केयर एल्फा से साइन एल्फा को कैलकुलेट किया जा सकता है और एल्फा किस एंगल पर हम उस कर्ण को प्रक्षेपित कर रहे हैं वो ज्ञात किया जा सकता है उसके बाद में जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं टी इज इक्वल्स टू टू पाई अपॉन अंडर म्यू ए की पावर थ्री बाई टू वो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्क करेगा टाइम पीरियड जो होगा वो टू पाई अपॉन जो अंडर म्यू ए की पावर थ्री बाई टू रहेगा एक्सरसाइज फिफ्थ सिक्स ए में हम एग्जाम्पल नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हमने ये दिया हुआ है ए पार्टिकल मूव्स इन ए एलिप्स अंडर ए फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एक कण एक दीर्घ वर्त में एक बल के अधीन गमन करता है जो सदैव नाभि की ओर निर्दिष्ट है बल नियम तथा इसके पथ के लिए किसी बिंदु पर वेग ज्ञात कीजिए टॉपिक किया हुआ हमने सेम टॉपिक रिवाइज करना है सिर्फ एग्जाम्पल की फॉर्म में दे दिया और कुछ नहीं है <coughs> देखो अर्थ समीकरण क्या थी बी स्केयर अपॉन पी स्केयर इज इक्वल्स टू अभी अभी किया हमने टू ए अपॉन आर माइनस वन प्लस वन फोर्स निकालना है पहले तो फोर्स का फॉर्मूला था एच स्केर अपॉन पी क्यूब डीपी अपॉन डी आर डिफ्रेंशिएट कर दो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या बनेगा माइनस टू बी स्केयर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर माइनस टू ए अपॉन आर स्केयर माइनस वन का जीरो हो जाएगा टू से टू और माइनस से माइनस कैंसिल यहां से डी पी dr डी आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी ए अपॉन आर स्केयर इंटू पी क्यूब अपॉन बी स्केयर ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा एच स्क्यर अपॉन पी क्यूब इंटू ए पी क्यूब अपॉन आर स्केयर बी स्केयर पी क्यूब कैंसिल फोर्स आ गया ए एच स्केयर अपॉन आर स्केयर बी स्केयर के इक्वल इस पूरे को अगर म्यू कंसिडर किया जाए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है हम लेट कर लें कि म्यू इज इक्वल्स टू ए एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्र के इक्वल है तो जो एफ है वो इक्वल आ जाएगा म्यू अपॉन आर स्क्वायर के अर्थात जब एलिप्टिकल पाथ में एलिप्स में हमारे पास कोई भी गति करता है जिसकी बल जो है वो केंद्र पर लग रहा हो नाभि पर लग रहा हो तो उस समय जो बल होता है वो हमेशा एक बटे आर स्क्वेयर के समानुपाती होता है ठीक है वेलोसिटी और निकालनी है वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी एच इज इक्वल टू क्या था यहां से वी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केर अपॉन पी स्केयर वन अपॉन पी स्केयर की वैल्यू बुट कर दो वन अपॉन पी स्केयर की वैल्यू बुट करेंगे तो बी स्केयर अपॉन में आ जाएगा यहां बन जाएगा टू ए अपॉन आर माइनस वन जो इक्वेशन दी थी उसी से हमने वैल्यू बुट किया है अगर हम एच स्यर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो वी स्केयर इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू इंटू बी स्केयर अपॉन ए इंटू वन अपॉन बी स्केयर इंटू टू ए अपॉन आर माइनस वन बी स्केयर टू बी स्केयर कैंसिल बीस केयर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन ए टू ए अपॉन आर माइनस वन ये वैलोस्टी होगी उस पार्टिकल की एट एनी डिस्टेंस आर पर इस फॉर्मुले को थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है करना चाहें तो जैसे वन अपॉन अपोने को मल्टीप्लाई कर दीजिए या एग्जाम्पल नंबर टू फाइंड द फोर्स टुवर्ड्स द पोल व्हेन ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व आर इज इक्वल्स टू ए साइन एन थीटा यानी जब आर जो है एक कण वक्र आर बराबर ए साइन एन थीटा निर्मित करता है तो ध्रुव की ओर निर्दिष्ट बल ज्ञात कीजिए हमें फोर्स कैलकुलेट करना है इस बार वक्र की इक्वेशन दी हुई है आर इज इक्वल टू तो ए साइन एन थीटा फोर्स का फॉर्मूला था एच स्क्र यू स्केर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्र इसको सॉल्व करना है अभी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले यू में कन्वर्ट कर लें अगर यू में कन्वर्ट करेंगे तो यू क्या था वन अपॉन आर था इसका मतलब वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू ए साइन एन थीटा या फिर यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए कॉसैक्क एन थीटा रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन वन अपॉन साइन किस में चेंज हो जाएगा कोसेक में डी यू बाई डी थीटा निकालो वन अपॉन ए माइनस एन कॉसैक एनथीटा कॉट एनथीटा कॉसैक एंथीटा अपॉन ए को वापस से हम पुट कर दें तो ये बन जाएगा माइनस एन यू कॉट एंथीटा कॉसैक एंथीटा अपॉन ए को वापस पुट कर दिया हमने यू दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एन यू एज इट इज कोट का करेंगे तो एन स्केयर हो जाएगा कॉस एक्स स्केयर एन थीटा माइनस एन कॉट एन थीटा यू का करेंगे डी यू बाई डी थीटा वैल्यू पुट करो एन स्केयर यू कॉस एक्स स्केयर एन थीटा माइनस डी यू बाय डी थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एन स्केयर आ जाएगा यू आ जाएगा कॉट स्केयर एन थीटा बन जाएगा एन स्केयर यू अगर कॉमन ले लें तो एन थीटा माइनस प्लस कॉटस्केयर एन थीटा कॉट स्केयर थीटा को क्या लिखा जा सकता है एन एनस्केर यू इन टू एन थीटा प्लस कॉस एक्स एन थीटा माइनस एक लिखा जा सकता है क्या थीटा बराबर थीटा माइनस वन यह बन जाएगा एन स्क्र यू इन टू टू कोशेक्स एन थीटा माइनस वन कॉसैक् एन थीटा की वैल्यू निकालें यू इन टू ए हो जाएगी वैल्यू पुट कर दें तो एन स्क्र यू टू ए स्क्यर यू स्केयर माइनस वन आ जाएगा और अगर ये वैल्यू हम फोर्स वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो एच स्क्र यू स्केयर इंटू यू प्लस एन स्क्यर यू इन टू टू ए स्क्यर यू स्केयर माइनस वन सिंप्लीफाई करेंगे अर का यू क्यूब हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्केयर टू ए स्केयर यू की पावर फाइव आ जाएगी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एन स्क्र यू क्यूब आ जाएगा सॉल्व कर लो एच स्केयर इन टू इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो वन माइनस एन स्केयर हो जाएगा और इन टू यू क्यूब आएगी यू जो है वो वन अपॉन आर के इक्वल है इसलिए वन अपॉन आर क्यूब बन गया प्लस टू ए स्क्र एन स्क्र यू की पावर फाइव है जो आर की पावर फाइव बना देगी जो कि इक्वेशन है फोर्स आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू यानी अगर हमारे पास कन जो है वो इस वेग से गति करेगा तो बल जो है वो इस नियम से कार्यरत रहेगा